बंगाल में मचा फिर कोहराम, सीबीआई की मंत्री पर छापेमारी, छापेमारी से तिल मिलाई सीएम ममता। आज सुबह की बड़ी खबर जो आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां एक बार फिर ममता सरकार के मंत्री पर शिकंजा कसा गया है। एक बार फिर ममता सरकार निशाने पर हैं। पश्चिम बंगाल में आज सुबह सीबीआई की टीम ने पार्थ चटर्जी के बाद एक और मंत्री पर यहां छापा मारा है। सीबीआई ने आसनसोल में कोयला घोटाले से जुड़े मामले में कानून और श्रम मंत्री मल्ल्या घटक के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस मामले में कहा जा रहा है कि सीबीआई ने कई बार मल्ल्या घटक को समन जारी किया था, लेकिन मल्ल्या जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद आज सुबह अचानक सीबीआई ने उनके आवास पर छापेमारी को अंजाम दिया। सीबीआई ने मल्ल्या घटक के आवास के अलावा कोलकाता में 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। मंत्री के भाई के भी ठिकाने इसमें शामिल हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने मल्ल्या घटक के घर को चारों ओर से घेर रखा है और ये छापेमारी जारी है। बता दें कि ईडी भी इस जांच के सिलसिले में मल्ल्या घटक से पूछताछ कर चुकी है। मल्ल्या घटक आसनसोल उत्तर सीट से विधायक हैं। इस पूरे मामले में आरोप है कि आसनसोल के निकट कुनस्तोरिया और कजोरा इलाके में ईस्टर्न कोल फील्ड्स की लीज पर दी गई खदानों में कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है। तो वहीं इस केस में सीबीआई के मुताबिक जांच में 1300 करोड़ रुपए के वित्तीय लेनदेन के संकेत मिले हैं, जो अपने आप में ही एक मोटी रकम है। इनमें से ज्यादातर पैसा कई नामी लोगों के पास गया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि हवाला के जरिए नामी लोगों के विदेशी बैंकों के खाते में पैसा जमा कराया गया था। अब सीबीआई इस मामले में तह तक जाने में लगी हुई है कि इसमें कौन कौन शामिल हैं। दोनों जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये घटक की कोयला घोटाले में क्या भूमिका थी, मंत्री इसमें क्या भूमिका निभा रहे थे। बंगाल के पश्चिम हिस्सों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कई खदानें चलाती है, जिस पर आरोप है कि ये बीते कई सालों से अवैध रूप से खनन किए गए कोयले को काला बाजार में बेचती है। जाहिर है कि सीबीआई की ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है जब कुछ समय पहले ही शिक्षक घोटाले को लेकर ईडी ने ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। बता दें कि पार्थ और अर्पिता मुखर्जी का नाम खूब सुर्खियों में था। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के पास से करीब 50 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया था। अब इस छापेमारी के बाद टीएमसी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। टीएमसी का दावा है कि बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसके बाद बीजेपी हार के बाद लगातार केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल अब देखना है कि इस मामले की और अपडेट क्या आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।